जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो फाइनल रोमांचक मुकाबला खेला गया, उसी मुकाबले के बारे में। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमने लाइक टारगेट रखा है बस 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली की टीम के लिए शायद ये थोड़ा महंगा साबित हुआ। दरअसल दोस्तों, इस खास मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने आज के इस मुकाबले में अपनी टीम में कोई भी बदलाव नहीं किए थे, तो मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बदलाव किया था, जहां पर उन्होंने राहुल चाहर को आखिरी मैच में ड्रॉप किया और उनकी जगह पर जयंत यादव को मौका दिया गया है। तो वहीं बात करें ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट की चोट आज के इस मुकाबले के लिए ज्यादा गहरी नहीं थी, जिसके चलते वो मुंबई इंडियंस की टीम में बरकरार थे। तो दोस्तों, इन्हीं प्लेइंग 11 टीमों के साथ आज दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम मैदान पर उतरती है, जहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका पहली पारी की पहली ही गेंद पर लग जाता है, जब ट्रेंट बोल्ट ने मार्कस स्टोइनिस को विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच करवाया और अगले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने फिर हमला बोल दिया और अजिंक्य रहाणे को चलता किया। और आज के इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे 2 रन बनाकर डिकॉक के हाथों कैच आउट हुए और इसके बाद भी दिल्ली की टीम दबाव नहीं झेल पाई। जी हां, दरअसल आज के इस मुकाबले के लिए सबसे बड़ी पारी खेले जाने के उम्मीदवार माने जा रहे शिखर धवन ने भी कोई भी जलवा आज नहीं दिखाया। उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 15 रन ही बनाए और तीसरा विकेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम का चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर गिर गया था, जहां पर टीम का टोटल स्कोर मात्र 22 रन था और 3 विकेट इस दौरान हो चुके थे। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस मुकाबले में 3 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली की टीम काफी ज्यादा दबाव में थी, लेकिन उस दबाव को कम करते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। जी हां, इस पूरे टूर्नामेंट में ऋषभ पंत ने वो लय नहीं दिखाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज के इस मुकाबले में उन्होंने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो वहीं दोस्तों, आज के इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाजी कर मात्र 38 गेंदों में ही 50 रनों की साझेदारी कर डालते हैं और यहां पर दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को बढ़ाते चले जाते हैं आगे। हालांकि दोस्तों, फिर ऋषभ पंत 38 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन बनाकर आउट होते हैं और अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए होते हैं। और वहीं दोस्तों, बात की जाए श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर भी शानदार बल्लेबाजी कर आज के इस मुकाबले में मात्र 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक जड़ देते हैं और अपनी इस पारी के दौरान वो 6 चौके और 1 छक्का जड़ते हैं। वहीं ऋषभ पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर 5 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन पर ही आउट हो जाते हैं और अपनी इस पारी में 1 चौका वो लगाते हैं और फिर उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं। तो वही बात करें मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से शानदार गेंदबाजी आज के इस मुकाबले में करी ट्रेंट बोल्ट ने, जिन्होंने आज 4 ओवर डालते हुए 30 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। हालांकि आज के इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं मिला, वहीं जयंत यादव ने 1 विकेट हासिल किया और नाथन कुल्टर नाइल ने भी 1 विकेट लिया। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की बल्लेबाजी को देखते हुए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।